जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप अपनी अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम डिस्कस किया था, और एट द कंक्लूजन मैंने आपसे बोला था कि ये मैं आपको भेज दूंगा और आप इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू सेंड। ठीक है, उसकी रीजन जाहिर है, बिजीनेस भी है और आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कोई स्टेबल नहीं है। जो कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्टेबल थी, तो उसकी वजह से टाइम भी थोड़ा कम ही मिलता है। सो ये बेसिकली, इसको अगर आप देखें तो ये एक ग्राफ है। ठीक है, मैं इस वक्त थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड कर लेता हूँ और इसको अ लिटिल बिट आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूं कि अगर ग्राफ हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट मौजूद है तो फिर हम उसके ऊपर अगर बीएफएस रन करना है तो कैसे करेंगे। अब जो बीएफएस का एल्गोरिदम है वो आपके जेन में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो ये है कि दिस इज द ग्राफ। उस ग्राफ में ये लिस्ट ऑफ वर्टिसेस है और ये ए के एडजेसेंट नोड्स हैं, यानी ए से जो आउटगोइंग एजेस हैं वो इन तीन वर्टिसेस पे जा रहे हैं। ये बी के आउटगोइंग एजेस हैं, ये सी के हैं, ये एस के हैं, ये डी के हैं, टी का कोई आउटगोइंग एज नहीं है और एम का दो एजेस हैं। तो अगर आप इनको ड्रॉ करके ग्राफ बनाना चाहें तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मेरा सिनेरियो ये है कि जब एल्गोरिदम को ग्राफ जो है वो नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, तो फिर हमें भी ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट की शक्ल में ही देखना चाहिए। उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो इस तरह की होती है, ठीक है, उसकी तरफ हमें नहीं मूव करना चाहिए। तो अब जब भी किसी स्टेज पे हम लिखेंगे यू बिलोंग्स टू जी डॉट वी, तो उससे मुराद ये वाला वर्टिसेस का सेट होगा। और अगर कहीं पर हम लिखेंगे वी बिलोंग्स टू जी डॉट एडजेसेंट ऑफ यू, तो इससे मुराद अगर यू वर्टेक्स ये वाली है तो ये वाला जो सेट है ये उससे मुराद होगा। मैं इस पिक्चर को दोबारा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज आपको क्लियर हो गई कि जब हम ये लिखेंगे। अब अपने तौर पर अगर आप बीएफएस का जो एल्गोरिदम है उसे देखें, या मैं कोशिश करता हूँ कि उस एल्गोरिदम को एक दूसरी तस्वीर पर आपके सामने थोड़ी देर के लिए ले आऊं। ठीक है, बीएफएस का एल्गोरिदम जो है वो ये कहता है कि फॉर ईच वर्टेक्स यू बिलोंग्स टू जी डॉट वी माइनस एस, यानी कि जितने भी वर्टिसेस हैं हर एक के लिए कलर को वाइट कर दो। कलर उसका एट्रीब्यूट है वर्टेक्स का। डी को इन्फिनिटी कर दो, यू पाए को नील कर दो, लूप से बाहर आके एस का कलर ग्रे कर दो, डी जीरो कर दो, पाए ये कर दो, एक एम्प्टी क्यू लो, क्यू में एस डाल दो। ठीक है, सो अगर वापिस हम आए इस ग्राफ के ऊपर तो सबसे पहला जो हमारा सेटअप है वो ये है कि हमने हर वर्टेक्स के लिए कलर को वाइट करना है। तो वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर फिल कर रखा है कि कलर हर वर्टेक्स का वाइट है। हर वर्टेक्स का जो डी है वो हमने इन्फिनिटी करना है लूप में जाके, वो मैंने सारों का डी इन्फिनिटी कर दिया है। हर एक का पाई मैंने निल करना है, वहां मैंने नन लिख दिया है। उस लूप से बाहर आके हमने क्या करना था,
कि जो भी स्टार्टिंग वर्टेक्स है, यहां पर अगर मैं एस कह रहा हूं तो एस का कलर ग्रे कर दें, तो ये कलर ग्रे हो गया एस का। ठीक है, इसके जीरो को डी को जीरो कर दें, पी में निल कर दें। ठीक है, सो वो नन और निल दे आर सेम थिंग। इसके बाद एक क्यू बनाएं, खैर क्यू जो है उसको आइडियली हमें हॉरिजॉन्टली बनाना चाहिए, वर्टिकली नहीं बनाना चाहिए, तो मैं ये क्यू बना देता हूं। ये क्यू इनिशियली खाली है और उसके बाद इसमें हमने जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको क्यू में डालना है, तो ये जो एस लेबल है ये मैंने क्यू में डाल दिया। ये जो मार्कर है इससे ऊपर ऊपर वाला एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो गया है, सारों के कलर वाइट, डी इंफिनिटी पाई नल, एस का कलर ग्रे, डी जीरो पाई नल, क्यू एम्प्टी क्यू बनाया और उसमें एस डाल दिया। अब आपने नीचे क्या करना है, वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता, लाइन नंबर 10, डी क्यू करें और उसको यू कह दें। ठीक है, इस यू को ये जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर यू वर्टेक्स है उसके साथ कंफ्यूज ना करें, वो उसका लेबल है और ये वेरिएबल का नाम है जो एल्गो में लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की होगी कि जो मेरा बोला एग्जाम्पल है उसमें ये इस तरह से ना आए। ठीक है, जो हम क्यू से निकालेंगे उसके सारे एडजेसेंट वर्टेक्स, अगर उसका कलर व्हाइट होगा तो कलर ग्रे करेंगे, वी डॉट डी को ये करेंगे एटसेट्रा, और उसके बाद बाहर आ जाएंगे। सो उसको मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको इसके ऊपर एग्जीक्यूट करें, वेयर हेयर। ठीक है, तो तरतीब से चलते हैं, एस को क्यू से निकालते हैं, ये हमारा यू वर्टेक्स बन गया। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है ए और दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स है एम, तो बारी बारी इन दोनों को हम चेक करेंगे लूप में जाके। पहले ए को करते हैं, क्या ए का कलर व्हाइट है, हाँ वो व्हाइट है, सो ए के कलर को हम ग्रे कर देंगे, ग्रे हो गया। इसके डी को यू का जो डी है उसमें वन ऐड करके लिख देंगे, सो इसमें मैंने वन लिख दिया। इसके प्रेडिसेसर में यू लिख देंगे और यू एस है, वो मैंने यहां एस लिख दिया। और इस ए वर्टेक्स को क्यू में डाल देंगे, वो मैंने क्यू में डाल दिया। अगली आइटरेशन आएगी इनर लूप की एम के लिए, क्या एम का कलर व्हाइट है, यस, अगर इसका कलर व्हाइट है तो इसका कलर ग्रे कर देंगे। इसके डी में यू के डी में वन ऐड करके लिख देंगे, यू चूंकि एस है उसका डी जीरो है तो इसमें वन आ गया। इसके पी में यू का लेबल डाल देंगे जो कि एस है, और इसको क्यू कर देंगे, ये एम क्यू में आ जाएगा। अब एस के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो एस का कलर हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद बाहर वाले आउटर लूप में आएंगे। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 10 से 18 है ये आउटर लूप है। इनर लूप एडजेसेंट वर्टिसेस को एडजस्ट करता है, आउटर लूप क्यू जब तक खाली नहीं हो जाएगा चलता रहेगा। तो आउटर लूप में आएंगे तो हम देख रहे हैं क्यू खाली नहीं है, उसमें दो वर्टिसेस हैं और वो कौन कौन से हैं, ए और एम। तो हम एक वर्टेक्स को क्यू से निकालेंगे, वो ए निकलेगा और वो अब हमारा यू वेरिएबल से पॉइंट हो रहा होगा। अब यू के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको वन बाय वन प्रोसेस करना है। उसका पहला एडजेसेंट वर्टेक्स है एम, क्या एम का कलर ग्रे है, सॉरी क्या एम का कलर व्हाइट है, नहीं वो तो ग्रे है, अगर वो ग्रे है तो हमने एम के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, सी पे आ जाएं, क्या सी का कलर व्हाइट है, सी ये वाला है, यस इट इज व्हाइट,
इसको ग्रे कर दें, इसके डी में यू के डी में, अब यू ए है, एक ऐड करके लिख दें, और इसके प्रेडिसेसर में यू का लेबल डाल दें, और इस एक जो सी वर्टेक्स है इसको क्यू भी कर दें। सो ये सी भी हो गया। अब आ जाए डी के ऊपर, ये वाला डी है, क्या डी वाइट है? हाँ है, अगर है तो इसे ग्रे करें, इसके डी में टू करें, यहां पर ए लिखें, इस डी को क्यू करें और अगले वर्टेक्स पे चले जाएं, क्योंकि ए के तीनों वर्टेसेस जो हैं वो प्रोसेस हो गए हैं, ए को ब्लैक कर दें और वापस मेन लूप में आ जाएं। अब मेन लूप में एम है, क्यू से एम निकालें, एम के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको वन बाय वन प्रोसेस करें। इसका पहला एडजेसेंट वर्टेक्स है बी, क्या बी का कलर व्हाइट है? यस, इसको ग्रे कर दें। यू जो के एम है उसके इधर वन लिखा हुआ है, इसमें वन ऐड करके लिख दें, यहां पर एम डाल दें और बी को क्यू में डाल दें। इसका दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स डी है, वो ये वाला है, क्या डी वाइट है? नहीं, जस्ट इग्नोर कर दें। जो यू वर्टेक्स है उसके तमाम एडजेसेंट जब प्रोसेस हो जाएं तो इनर लूप से बाहर आके यू को ब्लैक कर दें। बाहर आएंगे, क्या क्यू खाली है? नहीं, क्यू से एक वर्टेक्स सी निकालें, जो भी क्यू में पहला वर्टेक्स है वो निकाल लें, वो सी है, वो इस दफा यू बन जाएगा लेबल वेरिएबल में। इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको वन बाय वन प्रोसेस करें। इसका एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स है टी, और टी है ये वाला, क्या टी वाइट है? यस, वाइट है तो इसे ग्रे कर दें। इसके डी में इसमें वन ऐड करके लिख दें, इसके प्रेडिसेसर में यू वाला लेबल डाल दें और इसको क्यू कर दें। क्योंकि इस यू का एक ही एडजेसेंट था, वो वाइट था, वो प्रोसेस हो गया है, बाहर आए इसको ब्लैक कर दें। बाहर वाले लूप में आएंगे, क्या क्यू खाली है? नहीं, डी निकालें, यू से उसे पॉइंट करवाएं, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स टी है, टी ये वाला है, ये नॉन वाइट है, जस्ट इग्नोर कर दें। इसका एक ही एडजेसेंट था, वो प्रोसेस हो गया, बाहर आके इसे भी ब्लैक कर दें। ब्लैक करने के बाद आउटर लूप में आएंगे तो बी निकलेगा, बी ये वाला है, बी का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है डी, ये वाला, क्या डी वाइट है? नहीं, एक ही इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, बाहर आके इसे भी ब्लैक कर दें। बाहर वाले लूप में है, क्यू खाली है? नहीं, क्यू से टी निकालें और उसे यू से असाइन कर लें। टी का कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस ही नहीं होगा, इस एडजेसेंट वाला इनर लूप, बाहर आएंगे ये भी ब्लैक हो जाएगा, कुछ क्यू में नहीं जाएगा। आउटर लूप में आएंगे, क्यू इज एम्प्टी, हर वर्टेक्स क्यू में एक दफा आया है, अब क्यू खाली है, आउटर लूप का भी एंड हो जाएगा। जब आउटर लूप का एंड होगा तो आपके पास जो स्टेट है वो इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, और वो स्टेट क्या है? वो स्टेट बड़ी सिंपल है, ये सारे के सारे ब्लैक हो चुके हैं, ये सारे के सारे 0, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड इंटीजर्स से फिल हो चुके हैं, ये सारे के सारे उस वर्टेक्स के लेबल से फिल हो चुके हैं जिस वर्टेक्स से इसको एक्सप्लोर किया गया था, मास वाइज स्टार्टिंग वर्टेक्स के, जो स्टिल नल है। सो दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी।
डीएफएस रन हो गया है, लेकिन इस सॉरी बीएफएस रन हो गया है, इस बीएफएस ने अल्टीमेटली हमें दिया क्या है? ठीक है, इसने हमें दिया है डीज एंड पाइज या प्रेडिसेसर्स, क्योंकि कलर जो इसने दिया है वो तो सबके सब ब्लैक है, उससे तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो अब मैं आता हूं, इस ग्राफ को रीड्रॉ करता हूं, ठीक है, और ये एस वर्टेक्स है, ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये टी वर्टेक्स है, ये एम वर्टेक्स है, और कौन सा बचता है, ये डी वर्टेक्स है, ए बी सी, और ये लें ये सी वर्टेक्स है, एस डी सारे वर्टेक्स बन गए। ए से जो आउटगोइंग एजेस थे वो थे एम पे, सी पे और डी पे, डी से जो आउटगोइंग एज था वो था डी पे, सी से जो आउटगोइंग एज था वो था टी पे, एस से थे ए और एम पे, डी से टी पे था, टी से कोई आउटगोइंग एज नहीं था, और एम से बी पे और डी पे थे। सो ये हमारा ग्राफ है। अब अगर इस ग्राफ को हम इस वक्त की सिचुएशन में देखें तो ये स्टार्टिंग वर्टेक्स से जीरो डिस्टेंस अवे है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपनी जर्नी यहां से शुरू की है तो हम विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी ट्रेवर्सल ऑफ एज, जीरो डिस्टेंस के ऊपर हम एस पर हैं। बाकियों के भी मैं लेबल कर लेता हूं, ए में वन लिखा हुआ है, बी में टू लिखा हुआ है, सी में भी टू लिखा हुआ है, एस में जीरो लिखा हुआ है, डी में भी टू लिखा हुआ है, टी में थ्री लिखा हुआ है, और एम में वन लिखा हुआ है। तो अब अगर आप इस पे थोड़ी देर के लिए गौर करें तो ये जो ऊपर इनके लेबल्स हैं जो मैंने टेबल से उठा के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लगाए हैं, वो बता रहे हैं कि अगर एस नोड से हम किसी भी नोड पर जाना चाहते हैं तो कितने एजिस ट्रेवर्स करके हम वहां पहुंच सकते हैं, और प्रेडिसेसर हमें क्या बताता है कि हर वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए किस वर्टेक्स से हम आएंगे। तो मैं शुरू से आता हूं, पहली रो में ए है, ए पर हम एस से आएंगे, ठीक है स्टूडेंट, इस पाथ से हम आ जाएंगे, तो एस से ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक एज को ट्रेवर्स करके हम ए पे पहुंच जाएंगे, उस पे वन लिखा हुआ है। दूसरा है बी, बी पर हम कहां से आएंगे, एम से, तो हम बी पर पहुंचने के लिए ये वाला एज यूज करेंगे, फाइन। तो एम पे कैसे पहुंचेंगे वो उसको बाद में देखते हैं, लेकिन हम दो एजेस को यूज करते हुए बी तक पहुंच जाएंगे, ये टू हमें एक्चुअली वो बता रहा है। अब आगे आते हैं सी, सी पर पहुंचेंगे हम थ्रू ए, तो इस एज के थ्रू हम सी पे आ जाएंगे, सी के साथ डी टू है, वो टू क्यों है, क्योंकि सी पर हम ए से आएंगे और ए पर हम एस से आएंगे, तो कौन से दो एज ट्रेवर्स होंगे वो अब आपको बड़े वाजे नजर आ रहे हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये वाले दो हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये दो क्या चीज है, ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा, सी से आगे चले एस, उसके सामने नील लिखा हुआ है, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। डी, डी पे का प्रेडिसेसर है ए, तो डी का प्रेडिसेसर अगर ए है तो हम इस रास्ते से यहां पहुंच पाएंगे,
डी पर ए से पहुंचेंगे और ए पर एस से पहुंचेंगे और फिर नेचुरली टू वर्टिसेस के थ्रू जो के ये वाले दोनों वर्टेक्स हैं उसके थ्रू हम डी पे आ जाएंगे। डी के बाद है टी, टी पर हम पहुंचेंगे थ्रू सी, सो सी पर पहुंचे थे थ्रू ए और ए पर पहुंचे थे थ्रू एस, तो टी पर पहुंचे हैं थ्रू सी। तो हमारा टी पर पहुंचने का रास्ता क्या है, एस से ए, ए से सी, सी से टी। आपके जेहन में इस वक्त यह सवाल आ सकता है कि एस से ए और ए से डी और डी से टी पहुंचे तब भी तो वही बात है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं वही बात है, लेकिन हमारे ग्राफ ने हमें ये कहा है, हमारे बीएसएफ एल्गोरिथम ने हमें ये कहा है कि सी से आना है। वो क्यों आना है मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं आखिरी एम को भी लेबल कर लूं। एम पर हम पहुंचेंगे डायरेक्ट एस से इस पाथ के थ्रू, ठीक है। तो अब बी पर ये जो दो था वो क्या था कि आप बी पर एम से आए और एम पर एस से आ जाएं। तो यहां हमारे पास कुछ एजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये एजेस हमें बता रहे हैं कि किसी भी वर्टेक्स पर हम किस पाथ से आ सकते हैं आफ्टर रनिंग द बीएफएस एल्गोरिथम, और वहां पर पहुंचने में मिनिमम एजेस कितने ट्रेवर्स होंगे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन खुद ही रेज किया था, उसका आंसर करता हूं कि टी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, तो ये वाला रास्ता इस एल्गोरिथम ने हमें क्यों दिया है, उसकी रीजन स्टूडेंट इस ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में ये जो एस के बाद ए को हमने पहले प्रोसेस किया है फिर एम को किया है, एम में हमने ए से हमने पहले एम को प्रोसेस किया फिर सी को किया फिर डी को किया, हमने तरतीब से एडजेसेंट वर्टिसेस लेफ्ट टू राइट प्रोसेस किए। अगर किसी स्टेज के ऊपर ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उससे ये ए और एम की बजाय एम और ए लिखे होते तो तब भी ग्राफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, या ये बी और डी की बजाय पहले डी लिखा होता फिर बी लिखा होता तो तब भी ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन उस सूरत में बीएफएस ये जो प्रेडिसेसर नोड्स बनाएगा वो प्रेडिसेसर नोड्स डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट होने की वजह से जो एजेस हैं, जो सिलेक्टेड एजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो सिलेक्टेड एजेस चेंज होंगे उसकी वजह से पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स टू एवरी वर्टेक्स मे गेट चेंज, मगर इस चीज की गारंटी है कि बीएफएस एल्गोरिथम किसी सूरत में इन डीज को इन वैल्यूज से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। अगर टी पे तीन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस पे पहुंचा जा सकता है, पाथ उसके कई हो सकते हैं, लेकिन तीन बीएफएस गारंटी करेगा कि तीन में ही पहुंचे। और अगर किसी तरफ से भी टी पर थ्री से कम एजेस में पहुंचा जा सकता होगा तो बीएफएस इस चीज की गारंटी करेगा कि ये आपको उस पाथ से लेके आए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बीएफएस एल्गोरिथम हमारे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक प्रेडिसेसर नोड्स जनरेट करता है, लेकिन बीएफएस एल्गोरिथम ब्रेथ में प्रोसेस करता है, हमेशा स्टार्टिंग वर्टेक्स से ऑनवर्ड हर वर्टेक्स को मिनिमम नंबर ऑफ एजेस में ट्रेवर्स करता है। सो इसलिए इस डी को हम इन जनरल डिस्टेंस भी कहते हैं, ये जो मैंने यहां डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स टू अ पर्टिकुलर वर्टेक्स थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ एज ट्रेवर्सल। तो ये बेसिकली बीएफएस एल्गोरिथम है। अभी बीएफएस एल्गोरिथम को अगर हम फर्दर आगे लेके चलें, अभी मैं इधर आता हूं वापिस उसी स्क्रीन के ऊपर, वो कौन सी स्क्रीन है, वो शायद मेरे से जाया हो गई है, ठीक है। सो बहरहाल इसके बाद जो अगली चीज थी
वो ये चीज थी कि हमारे पास जो भी ग्राफ था, वेयर वॉज दैट ग्राफ, इस ग्राफ में वो मैंने जैसा कि कहा ना कि एक्सीडेंटली वो मेरे से सेव नहीं हुआ और वो जाया हो गया है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एस वर्टेक्स है, तो एस वर्टेक्स से हमने कौन से दो नोड्स एक्सप्लोर किए हैं, ए और एम, और ए से हमने कौन से एक्सप्लोर किए हैं, सी और डी, और एम से हमने कौन से एक्सप्लोर किए हैं, ओनली बी, क्योंकि डी तो जो उसका एडजेसेंट है वो तो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका हुआ है, और सी से हमने टी एक्सप्लोर किया है, डी से हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, और बी से भी हमने कोई फर्दर चीज एक्सप्लोर नहीं की। तो दिस इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ विजुअलाइजिंग व्हाट द डिस्टेंस ऑफ एवरी वर्टेक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब इसमें बेसिकली इसको मैंने इन द फॉर्म ऑफ ट्री बना दिया है। इस ट्री में वो तमाम एजिस हाईलाइट हुए हुए हैं जो प्रेडिसेसर नोड की मदद से हैं, लेकिन ग्राफ में तो कुछ और एजिस भी हैं, मसलन एस से तो दोनों एज आ गए ए और एम वाला, ए से दो एज मेरे पास आ गए हैं वो सी और डी वाले हैं, लेकिन एम वाला एज यहां नहीं बना हुआ, और अगर मैं एम वाला एज बनाऊं तो वो यहां बनेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज। इसी तरह बी से डी में एक एज मौजूद है और वो ये वाला है, ठीक है, सी से टी में एक एज मौजूद है वो तो यहां नजर आ रहा है, डी से टी में एक एज है तो वो ये वाला है, और एम से बी और डी में एजेस हैं तो ये एक एज है, ठीक है, बाकी के एजेस ऑलरेडी उस ग्राफ में हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो उस ग्राफ में जितने भी एजिस थे उनमें से कुछ एजिस तो हाईलाइट हो जाएंगे जो प्रेडिसेसर वर्टिसेस से हमें मिलेंगे, जो रेस्ट ऑफ द एजिस हैं वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो बिना सेंस ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है तो इसमें एजिस की क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो तमाम एजेस जिनसे कोई वाइट वर्टेक्स डिस्कवर होता है वो कहलाते हैं ट्री एजेस, ट्री एजेस, और बाकी के जो तमाम एजेस हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं एज अ क्रॉस एज, एज अ बैक एज एंड एज अ फॉरवर्ड एज। बैक एज वो एज होता है जो किसी भी डिसेंडेंट को एंसेस्टर से मिलाता है। ट्री के कॉन्सेप्ट में डिसेंडेंट का क्या मतलब है कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के पाथ में मौजूद है, तो अगर कोई एज इस तरह होता तो वो फॉरवर्ड एज होता, और अगर कोई एज इस तरह होता तो वो रिवर्स यानी बैक एज होता। डिसेंडेंट मीन नीचे से ऊपर की तरफ पाथ में, ट्री के पाथ में वो एज मौजूद है तो वो कहलाता बैक एज, और अगर एक एनसेस्टर से डिसेंडेंट के ऊपर एज होता तो वो कहलाता फॉरवर्ड एज, मतलब किसी पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड पर एज, और ऐसे तमाम एजेस जिनमें एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप नहीं होता वो क्रॉस एज होते हैं। अब अगर मैं वापिस इधर आऊं तो ए और एम का आपस में कोई एंसेस्टर डिसेंडेंट का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो एज जो ए से एम पे जा रहा है वो क्रॉस एज कहलाएगा। इसी तरह एम का डी से कोई एंसेस्टर रिलेशनशिप का, एंसेस्टर डिसेंडेंट का रिलेशनशिप नहीं है, बी और डी का, टी और डी का,
ये जो तमाम ब्लू में मैंने एजेस बनाए हैं, ये बेसिकली डिफरेंट सब ट्रीज को आप इसमें कनेक्ट करते हैं. दे आर ओरिजिनली इन द ग्राफ बट दे आर नॉट द थ्रू द प्रेडिसेसर नोड्स, तो ये कहलाते हैं क्रॉस एजेस. इन केस ऑफ BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अमूमी तौर पर हमारे एजेस ट्री और क्रॉस में ही क्लासिफाई होते हैं, क्योंकि BFS जो है वो सिस्टमेटिकली एडजेसेंट एजेस की को लेके बाहर की तरफ ग्रो करता है, तो या तो ट्री एजेस बन जाते हैं या फिर वो क्रॉस एजेस बन जाते हैं. लेकिन अगर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं BFS में, जब हम ये चीज देखेंगे तो हमें ये अंदाजा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ एजेस जो हैं वो क्रॉस एजेस भी बन जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर मैं BFS की तरफ आता हूँ. जी, एनी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो? चलो, एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न हम DFS भी रन कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द BFS एंड DFS इज के जब हम DFS रन कर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च रन करते हैं, जो कि हमने पहले चलाया है, तो ब्रेड्थ फर्स्ट जो है वो आमतौर पर डिस्टेंसिस कंप्यूट करता है, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो डिस्टेंसिस की बजाय वो डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम्स कंप्यूट करता है. वो डिस्टेंसिस कंप्यूट करे तो उन डिस्टेंसिस का एज सच कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारे एडजेसेंट नोड्स और फिर उनके एडजेसेंट नोड्स और फिर उनके एडजेसेंट नोड्स को ट्रेवर्स करते हुए नहीं चलता, बल्कि वो स्टार्टिंग वर्टेक्स से जिस नेक्स्ट वर्टेक्स पर जाता है, स्टार्टिंग वर्टेक्स की रिमेनिंग एजेस को उस वक्त कंसीडर नहीं करता, बल्कि जिस नोड पे वो पहुंचा होता है उससे ऑनवर्ड डेप्थ में वो प्रोसेस करता जाता है. तो अगर हम किसी भी वर्टेक्स को वाइट वर्टेक्स से डिस्कवर करें और उसका डिस्टेंस उस वक्त पिछले के रेफरेंस पे लगाएं तो वो यूजलेस होगा. लेकिन DFS के केस में हम दो नए पैरामीटर्स ले लेते हैं और उन पैरामीटर्स का नाम है डिस्कवरी टाइम एंड फिनिशिंग टाइम. तो बेसिकली जब हम एक DFS एल्गोरिथम रन करेंगे तो इनिशियली हम टाइम को जीरो सेट कर देंगे और जैसे जैसे हम नोड्स को डिस्कवर करते जाएंगे या फिनिश करते जाएंगे तो टाइम इंक्रीमेंट होता जाएगा. तो एक ही हमारे पास टाइम वेरिएबल होगा जो ऑलवेज इंक्रीमेंट होगा. सो डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम्स दोनों उसी क्लॉक के मुताबिक, उसी टाइम वेरिएबल के मुताबिक लगते जाएंगे. तो मैं ऑन द सेम ग्राउंड्स पहले आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि हमारा जो DFS एल्गोरिथम है वो बेसिकली क्या है, और उसके बाद हम वापस आते हैं, उसको इस ग्राफ के ऊपर रन कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, ये हमारा DFS एल्गोरिथम है. क्योंकि इसमें हमने डिस्टेंसेस मेजर नहीं करने, हमने सिर्फ वर्टिसेस को डिस्कवर करना है, तो इसके जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम में जो अगर आप शुरू से देखें ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो पैरामीटर में सिर्फ ग्राफ मौजूद है, स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं है. हम सारे वर्टिसेस को वाइट कर देंगे, उनके प्रेडिसेसर को नील कर देंगे और टाइम को जीरो कर देंगे, और फिर हर वर्टेक्स के ऊपर अगर वो वाइट वर्टेक्स होगा तो DFS विजिट का एक सब एल्गोरिथम रन करेंगे. ये DFS विजिट का जो सब एल्गोरिथम है ये बेसिकली डेप्थ में प्रोसीड करते हुए रिकर्सिवली, अगर आप DFS विजिट का जो एल्गोरिथम है उसके लाइन नंबर 7 पे गौर करें तो DFS विजिट रिकर्सिवली कॉल हुआ है. रिकर्सिवली उन तमाम एजेस को एक्सप्लोर कर लेगा जो
यू वर्टेक्स से जो ऊपर वाले एल्गोरिदम की लाइन नंबर 7 से कॉल हुआ था रीचेबल है। लेकिन अगर आप ग्राफ पे गौर करें, हम स्टार्ट अगर लें उस वर्टेक्स से जिसका लेबल यू है, तो हम किसी भी सूरत में डब्ल्यू और जेड को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां तक कोई पाथ जाता ही नहीं। इसी तरह अगर हम डब्ल्यू वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो हम किसी भी सूरत में यू वर्टेक्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सो डीएफएस विजिट का जो एल्गोरिथम है, वो रीचेबल वर्टेक्स सारे के सारे डिस्कवर करके उनको डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम लगा के ब्लैक करके वापिस आ जाएगा। जब वहां से हम रिटर्न करेंगे, तो बेसिकली हम आएंगे ऊपर वाले एल्गोरिथम की लाइन नंबर 7 में। वहां एक लूप चल रहा है, वो लूप ये चेक कर रहा है कि सारे जो ग्राफ के वर्टिसेस हैं, अगर उनमें से किसी का कलर वाइट है, तो वो वहां से डीएफएस विजिट को रिकॉल कर लेता है। तो वो तमाम वर्टिसेस जो अनडिस्कवर्ड रह जाएंगे फर्स्ट आइट्रेशन में, उनके कलर वाइट होंगे और उनकी डिस्कवरी दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये वाला एल्गोरिथम जो है, ये बेसिकली इस तरह से प्रोसीड करेगा। तो बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल जो है, वो बड़ी डिटेल से गिवन है। मैं थोड़ी देर बाद बुक खोल के उसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइट शेड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस एल्गोरिथम की तरफ आता हूँ कि हम अरे पास अगर एक सिचुएशन इस फॉर्म पे है, तो उसके ऊपर अगर हम डीएफएस रन करें तो वो कैसे चलेगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और अब वापस आ जाता हूँ इधर। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम यहाँ कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये इन रिटर्न भेज दूंगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर बार बार एक्सरसाइज कर लें, या इसको पेपर पे ड्रॉ करके बार बार एक्सरसाइज कर लें। और डीएफएस और बीएफएस दोनों केसेस में स्टार्टिंग वर्टेक्स बदल बदल के इसे रन करें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, देखें इसे। सो हम इस टिपिकल एग्जाम्पल में, ठीक है, ऐसा करते हैं कि वर्टिसेस को टॉप टू बॉटम स्कैन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो हम फर्स्ट वर्टेक्स से ही ले लेते हैं, अदरवाइज किसी भी वर्टेक्स से इसे रन किया जा सकता है। और एजिस की लिस्ट को हम हमेशा लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम ने तो किसी पैटर्न पे चलना होता है, वो रैंडमली वर्टिसेस को एक्सेस नहीं करेगा। ने जी स्टार्ट किया, सारों के कलर वाइट हो गए, लूप लगाया, एम का कलर वाइट है, उसके ऊपर डीएफएस विजिट नाम का एल्गोरिथम रन कर दिया। नाउ डीएफएस विजिट एल्गोरिथम करता क्या है, मैं एक दफा फिर आपके सामने उसे ले आता हूं। वो टाइम को इंक्रीमेंट करता है, यू के डी को टाइम असाइन करता है, यू के कलर को ग्रे करता है, उनके तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस जिनके कलर वाइट होते हैं, उनके प्रेडिसेसर को यू सेट करके डीएफएस विजिट को रिकर्सिवली कॉल कर लेता है। और जब वो इस लूप के ट्रैप से बाहर आता है, तो उसके कलर को ब्लैक करके टाइम को इंक्रीमेंट करके उसका फिनिशिंग टाइम लगा देता है। इस एल्गोरिथम को यहां पे आते हैं। ठीक है, सो एम को सबसे पहले आया, उसने इसको ग्रे किया, टाइम वेरिएबल जिसमें जीरो पड़ा हुआ था, उस जीरो को उसने वन करके यहां लगाया। उसके तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस को उसने वन बाय वन प्रोसेस करना है। तो बी पे गया, बी पे जाते ही उसने ये देखा कि अगर बी वाइट है, तो उसने उसे ग्रे करके उसके ऊपर उसका प्रेडिसेसर सेट करके रिकर्सिव कॉल कर ली। सो बी डिस्कवर हुआ हमारा एम से, और चूंकि बी वाइट था, बी के ऊपर रिकर्सिव कॉल आ गई। उसने इसको ग्रे किया, इसका डिस्कवरी टाइम टू किया, और इसके एडजेसेंट की लिस्ट को उसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया।
इसका एक ही एडजेसेंट है और वो है डी, सो बी प्रोसेस हो गया। डी एम के केस में रहता है, डी पर हम आए, डी का कलर वाइट है, उसने इसका प्रेडिसेसर बी लगाया और डी के ऊपर रिकर्सिव कॉल कर दी। जैसे ही डी के ऊपर रिकर्सिव कॉल इसने की, यहां इसका डिस्कवरी टाइम 3 हो गया। इसके डिस्कवरी टाइम 3 होने के बाद जब हमने इसके एडजेसेंट को देखा तो इसमें टी था और टी का कलर क्योंकि वाइट था, उसका प्रेडिसेसर डी सेट किया और उसके ऊपर रिकर्सिव कॉल कर लिया। जब हमने उसके ऊपर ये रिकर्सिव कॉल किया तो इसका प्रेडिसेसर सॉरी इसका डिस्कवरी टाइम हमने टी लगाया। अब इसकी एडजेसेंट लिस्ट खाली है, जब इसकी एडजेसेंट लिस्ट खाली है तो इसका मतलब है इसका जो इनर लूप है वो सारे का सारा प्रोसेस हो चुका। जीरो टाइम्स टी को इंक्रीमेंट किया, इसका फिनिशिंग टाइम लगाया, इसको ब्लैक किया और वापस आ गए उस वर्टेक्स के ऊपर जिसने इसको इन्वोक किया था और वो वर्टेक्स था डी वाला। डी का एक ही एडजेसेंट था, वो प्रोसेस हो चुका है, इसका मतलब है डी के सारे एडजेसेंट प्रोसेस हो गए हैं। हमने टाइम को इंक्रीमेंट करके यहां रखा, इसको भी ब्लैक कर दिया। डी पर हम आए थे बी से, बी के ऊपर आके हमने ये देखा कि बी का एक ही एडजेसेंट है डी, वो भी प्रोसेस हो गया हुआ, यानी कि बी के सारे एडजेसेंट प्रोसेस हो गए हमें। हमने उसका इसका डिस्कवरी टाइम एक इंक्रीमेंट करके लगाया 7 और इसको ब्लैक कर दिया। इसके बाद हम वहां से वापस आए बी से एम पे। जब हम एम पे वापस आए तो एम के ऊपर बी का एक एडजेसेंट वर्टेक्स अभी बचा हुआ था। हमने वहां जाके देखा उसका कलर अब वाइट नहीं है, तो इसका मतलब है उसको रिकर्सिवली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसका भी नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। जब बी एम के भी सारे एडजेसेंट वर्टेक्स प्रोसेस हो गए तो टाइम को इंक्रीमेंट करके हमने इसका फिनिशिंग टाइम लगाया और हमने एम की कॉल भी वापस कर दी। स्टूडेंट्स, एम की जो रिकर्सिव कॉल थी वो आउटर मेन एल्गोरिदम से आई थी। जब हम मेन एल्गोरिदम में आए तो एम प्रोसेस हो चुका है। तरतीब में हमने देखा बी, मगर बी तो वाइट ही नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया। इसके बाद आए ए पे, ए वाइट नोड है। अगर ए वाइट नोड है तो इसके ऊपर हमने नीचे वाला रिकर्सिव एल्गोरिदम दोबारा कॉल करना है। तो जब हमने इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल किया तो सबसे पहले इसे ग्रे किया, इसका डिस्कवरी टाइम 9 सेट किया और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स एम, वो तो नॉन वाइट है, इग्नोर हो जाएगा। दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स सी, उस पे आ गए। जैसे ही सी पे आए हमने वो देखा वो वाइट है। अगर वो वाइट है तो हमने इसका प्रेडिसेसर सेट किया ए और इसका डिस्कवरी टाइम सेट कर दिया 10 और ग्रे तो ये नेचुरली हो गया है। अब जब हम टी पे आ गए हैं, सॉरी वेयर वी आर ऑन सी, ठीक है, तो सी का एक ही एडजेसेंट है टी, उसको देखा तो वो तो ऑलरेडी ब्लैक है, तो वहां से वापस है, सी के सारे एडजेसेंट प्रोसेस हो गए, इसको ब्लैक किया, इसका फिनिशिंग टाइम सेट किया। सी को कॉल गई थी ए से, ए का एक्स नोड है डी, डी को अगर हम सर्च करते हैं तो वो नॉन वाइट है, ठीक है, नॉन वाइट होने के बाद वो प्रोसेस नहीं होगा। सो डी के सारे ए के सारे एडजेसेंट वर्टेक्स प्रोसेस होने के बाद हम उसका ब्लैक कर देंगे, ठीक है जी। ब्लैक करने के बाद आउटर लूप में वापस आएंगे, ए प्रोसेस हो गया, सी देखा वो नॉन वाइट था इग्नोर कर दिया, एस देखा वो वाइट था। अगर एस वाइट है तो इनर लूप में उसकी रिकर्सिव कॉल आएगी, इसका डिस्कवरी टाइम सेट होगा, इसके एडजेसेंट को वन बाय वन देखेंगे, इसका एडजेसेंट ए है जो नॉन वाइट है, दूसरा इसका एडजेसेंट देखेंगे एम, वो भी नॉन वाइट है,
इसके जब सारे एडजेसेंट प्रोसेस हो जाएंगे तो इसका फिनिशिंग टाइम हम ये लगा देंगे और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसके सारे एडजेसेंट प्रोसेस हो गए हैं। बाहर आउटर लूप में आएंगे, डी को देखेंगे वो नॉन वाइट है, टी को देखेंगे वो नॉन वाइट है, हमारा एल्गोरिदम फिनिश हो जाएगा। सो एट द एंड सारे वर्टेक्स अगेन ब्लैक हो चुके होंगे जैसे पहले हो गए थे, ठीक है। लेकिन डिस्कवरी, फिनिशिंग और प्रेडिसेसर्स में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। अब ये जो डिस्कवरी, प्रेडिसेसर्स और एम में वैल्यूज मौजूद हैं, हमें ये हमारे लिए कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हमने स्टार्ट लिया था एम से। एम वर्टेक्स जो है वो सिर्फ एक वर्टेक्स का प्रेडिसेसर है और वो है बी। जो बी वर्टेक्स है वो सिर्फ एक वर्टेक्स का प्रेडिसेसर है और वो है डी। और जो डी वर्टेक्स है वो सिर्फ एक वर्टेक्स का प्रेडिसेसर है और वो है टी। दैट्स इट। उसके बाद एक और वर्टेक्स ए है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, और ए का एक सी जो है वो चाइल्ड है, क्योंकि सी का ए प्रेडिसेसर है। और एक और वर्टेक्स है एस जिसका कोई क्या कहते हैं प्रेडिसेसर नहीं है, वो तीनों निल हैं अगर आप इन तीनों पे गौर करें। तो बेसिकली बीएफएस में जो हमने पीछे देखा था, प्रेडिसेसर नोड्स की मदद से हमारा एक ट्री बन गया था। यहां पर ट्री नहीं बना। बेसिकली स्टूडेंट ये इस ग्राफ की टोपोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हुए ये ट्री नहीं बना, अदरवाइज एक्चुअली तो ये ट्री बने हैं, एक नहीं कई ट्री बने हैं। वन ऑफ द ट्री इज दिस वन विच हैज ओनली अ रूट नोड एंड नो चाइल्ड नोड, एंड अदर इज दिस ट्री जिसमें हर नोड का एक एक चाइल्ड है, और लास्ट वन इज दिस ट्री। तो यहां से जो चीज मुझे मिली है वो कहलाती है डीएफएस फॉरेस्ट, अ सेट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो अब ये तो वो वर्टिसेस हो गए जो ग्राफ में मौजूद हैं, और उस ग्राफ में वो वाइट एजेस के थ्रू एक्सप्लोर हुए हैं। तो ये जो वाइट एजेस के थ्रू एक्सप्लोर होते हैं वर्टिसेस, वो ट्री एजेस कहलाते हैं। ये हमारे सामने आ गए। अब जो एजेस इस ग्राफ में ट्री एजेस नहीं बन सके वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो एम से एक वर्टेक्स बी, एक एज बी पे था और दूसरा डी पे था। सो देर इज अ वर्टेक्स, देर इज अ एज फ्रॉम M to D, B वाला तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है। B से एक वर्टेक्स D पे है, वो वहां है। A से एक वर्टेक्स, A से एक एज M पे मौजूद है। एक C पे है, वो वहां नजर आ रहा है, और एक D पे है, वो भी ड्रॉ कर दिया। C से एक एज T पे है, उसको भी ड्रॉ कर दिया। S से M पे है, उसको भी ड्रॉ कर दिया, और S से A पे भी है, उसको भी ड्रॉ कर दिया। T से T पे है, वो ऑलरेडी वहां मौजूद है, और T से कुछ नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर अब अगर आप एक टिपिकल एज पे गौर करें जो कि ये वाला एज है, ये एक एनसेस्टर से डिसेंडेंट पे है। M का चाइल्ड B है और B का चाइल्ड D है, और ये एज M से D पे है, फ्रॉम एन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो ये वाला एज क्या, कौन सा एज कहलाएगा? ये एज कहलाएगा फॉरवर्ड एज। यहां इत्तफाकन कोई ऐसा एज नहीं है जो डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ हो। अगर होता मसलन ये एज होता,
मैंने यहां लिखा है अगर ये होता है नहीं, ये तो ये कौन सा एज कहलाता, ये बैक एज कहलाता। ये जो ब्लू में बने हुए हैं वो ट्री एजेस हैं, और वो तमाम एजेस जो एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में नहीं है, पेरेंट चाइल्ड वाले ब्लू में मार्क हुए हुए हैं, वो तमाम एजेस क्या कहलाते हैं, वो एजेस क्रॉस एजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ के ऊपर जस्ट एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इस वक्त जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सिर्फ इतनी सी है कि हर वर्टेक्स किस वर्टेक्स से एक्सप्लोर होगा। तीन वर्टिसेस ऐसे हैं जो किसी दूसरे वर्टेक्स से एक्सप्लोर नहीं होंगे डीएफएस की मदद से, लेकिन क्योंकि डीएफएस का एल्गोरिथम ऐसा है कि उसका जो आउटर मेन एल्गोरिथम है उसको अगर बाद में भी कोई वाइट वर्टेक्स मिलती है तो वो वहां से नई एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है। तो तीन रूट नोड्स बनेंगे, जितने रूट नोड्स बनेंगे उतने फॉरेस्ट में ट्रीज होंगे। डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम्स ये साथ हर नोड के साथ एसोसिएटेड है। मसलन एस का जो डिस्कवरी टाइम है वो है 12 और उसका फिनिशिंग टाइम है 13। ये गलती होगी मेरे से, यहां 14 आना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 14। इसी तरह अगर मैं डी वर्टेक्स की बात करूं तो डी वर्टेक्स का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 3 और फिनिशिंग टाइम है 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो इंफॉर्मेशन है डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम की, ये इंफॉर्मेशन हमें कुछ फर्दर जो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं उनको हेल्प करने में, उनको मतलब फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट ये है डीएफएस एल्गोरिथम। मैं एक दफ़ा बुक पे आता हूँ और बुक के ऊपर आके मैं कोशिश करता हूँ कि जो बुक में मिसाल है उसको भी थोड़ा सा आपके सामने रख लूँ। ग्राफ एल्गोरिथम्स, एलिमेंट्री ग्राफ एल्गोरिथम्स और ये, सो स्टूडेंट ये डीएफएस इस वर्टेक्स के ऊपर उसने, इस ग्राफ के ऊपर उसने रन किया है, और जैसे जैसे वो रन करता गया है ये डायग्राम्स में चेंजेस आती गई हैं। सो एट द एंड दो ट्रीज इसमें बनेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी तो वो यहाँ से प्रोसेस होके ख़त्म हो गई थी और उसके बाद नई एक्सप्लोरेशन यहाँ से इन नोड्स को उसने किया है। तो आगे चल के इस ग्राफ से जो उसने दो ट्रीज बनाए हैं वो बेसिकली ये नीचे हैं, और इसमें मेरे ख्याल उसने एक्सप्लोरेशन चेंज कर दी है, यहाँ उसने एक नई एक्सप्लोरेशन की है जो यहाँ से, बल्कि ये तो ग्राफ ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको आप देख लें। तो आगे ये उसको अगर मैं उस ग्राफ के सारे एजेस को ड्रॉ करूं तो इसमें क्लियरली मेंशनड है कि ये जो हाईलाइटेड एजेस हैं ये तो ट्री एजेस हैं, और यहाँ पर दो इस फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, एक एस से रूट हो रहा है और दूसरा टी से रूट हो रहा है। इसके बाद ये एज जो यू से टी पे जा रहा है ये बैक एज है, जो एक्स से बी पे जा रहा है वो भी बैक एज है, जो एस से डब्ल्यू पे आ रहा है वो फॉरवर्ड एज है, लेकिन बाकी के सारे एज जो हैं वो क्रॉस एजेस हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बी फॉर बैक, सी फॉर क्रॉस, एफ फॉर फॉरवर्ड एंड एटसेट्रा। तो इस टिपिकल ग्राफ को मैं आपको कहूंगा कि इसको आप चार्ट की रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में लाएं और उसके ऊपर कुछ ये एक्सरसाइज करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो ये तो दो एलिमेंट्री एल्गोरिदम्स थे ग्राफ के ऊपर, जिनको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। स्टूडेंट बेसिकली जब हम एक स्टार्ट करते हैं ना किसी भी प्रोसेस को, तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो ग्राफ होता है उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट एक इस शक्ल में हमारे पास होता है कि उसमें एक लिस्ट ऑफ वर्टिसेस मौजूद है और उन वर्टिसेस के एडजेसेंट हैं, और ये हमारे पास मेमोरी में एरेज में
या लिंक लिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट लें, अभी भी फॉर्चुनेटली मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन एल्गोरिथम को कोई चीज नजर नहीं आती। अगर एल्गोरिथम में सी है तो सी को सिर्फ इतना पता है कि उसका एडजेसेंट नोड डी है एंड दैट्स इट। जब तक एल्गोरिथम टी पे नहीं जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और टी के आगे कुछ नहीं है तो एल्गोरिथम चल ही नहीं सकेगा फर्दर आगे। तो हमें एल्गोरिथम को जहन में रखते हुए ये सोचना है कि हमने ग्राफ को एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करके हमने कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, और वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बेसिकली ये है इन केस ऑफ डीएफएस। और इन केस ऑफ बीएफएस यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है और ये प्रेडिसेसर्स होते हैं और ये उसमें नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ बीएफएस एंड डीएफएस वाइट होते हैं, एंड एट द एंड ये ब्लैक होते हैं, इन बिटवीन ये ग्रे भी होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ देयर वाइट एंड ग्रे रिप्रेजेंटेशंस हम समहाउ जो एजेस हैं वो कौन से एजेस हैं, क्रॉस हैं, फॉरवर्ड हैं या बैक हैं, ये आइडेंटिफाई करने में ग्रे की हेल्प ले सकते हैं। तो अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप ये बुक को स्टडी करें तो ये फाइंड आउट कर लें कि किस कंडीशन के ऊपर कौन सा एच आएगा। मसलन ये जो इस पेज पे मौजूद है एच क्लासिफिकेशन, यहाँ पर डीएफएस के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन है कि ट्री एजेस इन द डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट जी पाए, ये कि जी पाए मीन प्रेडिसेसर वर्टिसेस वाला वो जो कॉलम है उसकी बात हो रही है, कि जिसमें एक एज यू वी जो है वो उसमें मौजूद है। बैक एजेस कौन से हैं, यहां पर विच मे अकर इन द डायरेक्टेड ग्राफ्स, नॉन अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये वैसे ही अवेलेबल नहीं होते इसीलिए, ठीक है। तो कर ये तो उन्होंने ये यहाँ तो डेफिनेशंस मौजूद है, हाउ कैन वी फाइंड देम। वाइट एजेस, वाइट वर्टेक्स, जब भी आप एक्सप्लोर करते हैं आपको एक वर्टेक्स वाइट नजर आता है फ्रॉम अनदर वर्टेक्स तो वो क्लियरली एक ट्री एज है। जब आप एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये जो लाइन नंबर 5 है यहां लिखा हुआ ना, इफ वी डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट, तो आप बेसिकली यू वर्टेक्स पे बैठे हुए एडजेसेंट ऑफ यू को जो कि वी वर्टेक्स है उसे देख रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर अगर कलर ग्रे है तो वो बैक एज है, और अगर कलर ब्लैक है तो वो फॉरवर्ड या क्रॉस एज है। तो वो जो ग्रे कलर हमने इसके अंदर डाला है वो ग्रे कलर बेसिकली एज क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करता है। तो ब्लैक या क्रॉस के ऊपर ये कंडीशन हमें हेल्प करती है कि अगर यू डॉट डी और वी डॉट डी में ये रिलेशनशिप हो तो वो फॉरवर्ड एज होगा, और अगर उसमें ये रिलेशनशिप हो तो वो क्रॉस एज होगा। फॉरवर्ड एज मीन कि जहां से हम एक वर्टेक्स वी को ढूंढ रहे हैं ये वाला वर्टेक्स पहले डिस्कवर हो गया, और इनिशियली डिस्कवर्ड वर्टेक्स से हम एक नया वर्टेक्स जो कि बाद में डिस्कवर हुआ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड एज होगा, और अगर यू डॉट डी ग्रेटर देन वी डॉट डी होगा तो वो बैक एज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगी क्लासिफिकेशंस वगैरह। इससे आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो ये है कि ये तो दो थे एलिमेंट्री बेसिक सर्च एल्गोरिथम, इसलिए इन्हें बी एफ एस और डी एफ एस कहते हैं, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सर्च, कि हम ग्राफ में कुछ सर्च कर रहे हैं। सर्च करने का मतलब यह है कि एजिस को ट्रेवर्स करते हुए हमने कहीं पहुंचना है, एरेस को ट्रेवर्स नहीं करना है, लिस्ट्स को ट्रेवर्स नहीं करना है। लिस्ट और एरेस की ट्रेवर्सल डिफरेंट होती है, ग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अगर कहीं से स्टार्ट लेना है तो एजिस के थ्रू ट्रेवर्स करते हुए हमने जाके सर्च करना है, सिंपली हमने एरे के अंदर लूप लगा के सर्च नहीं करना है। तो दिस इज द की पॉइंट। तो BFS और DFS दोनों एलिमेंट्री सर्च एल्गोरिथम्स हैं। BFS
इन जनरल हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वर्टिसेस के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह देखने हैं। और डीएफएस एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको ये कहा जाता है कि अगर हमें समझ ना आ रही हो कि एक ग्राफ को प्रोसेस करते हुए डीएफएस वाला एल्गोरिथम यूज करें तो या डीएफएस वाला कर लें और उसमें डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंसिस की कंप्यूटेशंस ना हो तो देन डीएफएस ही बेहतर है। आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं बीएफएस और डीएफएस की, उसमें एक ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली एक ऐसी ऑर्डरिंग है, क्योंकि सॉर्ट जो होता है ना वो ऑर्डर होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी एक ऑर्डर है, लेकिन ये नंबर्स का जो एक तरतीब होती है ना असेंडिंग ऑर्डर, या टेक्स्ट की एक तरतीब होती है जिसे डिक्शनरी या लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं, ये उससे हटके है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट मीन कि ये एक स्पेशल किस्म की ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, सो दैट कि ग्राफ में जितने भी एजेस हैं वो सारे के सारे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ही जाएं, बैक एंड फोर्थ मूव ना करें। दूसरा ये है कि ये एक स्पेशल टाइप के ग्राफ के ऊपर प्रोसेस होती है जिसको डैग कहते हैं, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ए साइक्लिक ग्राफ मीन इसमें कोई साइकिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ए साइक्लिक ग्राफ जो है ना उनकी भी काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। ए साइक्लिक ग्राफ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और किस तरह एग्जिस्ट करते हैं उसकी कई जगहों के ऊपर आपको मिसालें मिल जाएंगी। मैं उनमें से एक टिपिकल एग्जाम्पल आपके सामने लाता हूँ। मसलन ये अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, और इसके ऊपर मैं ये एजेस बनाना शुरू करूँ, तो आप ये देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो आप घूम के वहां वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन एक अगर मैं एज और इस पे ऐड कर दूं, और वो एज फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो अब यहां पर एक साइकिल इंट्रोड्यूस हो गया। इवन मजीद इसके ऊपर भी साइकिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और वो ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है वो तो नॉर्मल ग्राफ है, और ग्राफ में साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तो हम ग्रे और ब्लैक वर्टिसेस को कलर कर रहे होते हैं कि एक नोड दूसरी दफा प्रोसेस ना हो, क्योंकि साइकिल्स होते हैं। लेकिन अगर ग्राफ में साइकिल्स ना हो तो फिर उनको प्रोसेस करना रिलेटिवली आसान होता है। अच्छा, ये तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल आपको दे दी कि डैग या डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं किसे हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने कोर्सेस में जो कोर्सेस आपने थ्रू आउट पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आप सारों को पता है कि प्री रेक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनके प्री रेक्स होते हैं। मसलन ऊप का कोर्स आपको तब तक कोई पढ़ने नहीं देगा जब तक पीएफ आप पास नहीं कर लेते हो, और जब तक आप ऊप पास नहीं कर लेते हो आपको कोई डीएसए नहीं पढ़ने देता। जब तक आप एससी क्लियर नहीं कर लेते हो आपको कोई WOAD नहीं पढ़ने देता। अब जो आपके कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को अगर हम एक ग्राफ की शक्ल दें तो वो एक डैग बनेगा, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा। कुछ नोड्स बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे और कुछ नोड्स में प्री रेक फॉलो अप मौजूद होंगे, लेकिन साइकिल्स नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि अगर साइकिल बन गया तो फिर उस टिपिकल रोड मैप में कोई स्टूडेंट डिग्री नहीं ले सकेगा, क्योंकि एक दूसरे का प्री रेक है, दूसरा तीसरे का प्री रेक है, और तीसरा पहले का प्री रेक है, तो उनमें से पहले सबसे कौन होगा। इसलिए
कोर्सेज का जो रोड मैप है वो एक ग्राफ होता है और वो एक बैग होता है। अब इस ग्राफ को आप बना सकते हैं, ये एक बड़ा सारा ग्राफ बनेगा जिसमें कई प्रीरेक फॉलोअप्स होंगे। उसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि हम उन तमाम वर्टिसेस को एक लीनियर ऑर्डरिंग दे दें सो दैट कि उनके बीच में जो एजिस हैं वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही नजर आए, कोई एज रिवर्स ना हो। अब इस तरह से जब हम उन्हें तरतीब देंगे तो इसका बेनिफिट होगा कि एक स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स ले ले, सॉरी ये नहीं ले सकता, मेरे से गलती होगी, पहले सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स ले ले जिनका कोई भी प्रीरेक नहीं है। मसलन ये सब्जेक्ट्स वो पहले सेमेस्टर में पढ़ सकता है, जब वो इनको पास कर लेगा तो दूसरे सेमेस्टर में वो ये वाले सब्जेक्ट्स पिक कर सकता है, जब वो इनको भी पास कर लेगा तो तीसरे सेमेस्टर में वो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को पास कर लेगा, मतलब पिक कर लेगा। तो कहीं पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर वो लेफ्ट टू राइट चले इन दिस ऑर्डरिंग तो कोई भी प्रीरेक कंप्लीट करने से पहले कोई फॉलो अप कोर्स उसके सामने आ रहा हो। तो ये एक टिपिकल तरतीब है जिसको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहते हैं। आपके बुक में एक और मिसाल दी गई है और वो मिसाल एक प्रोफेसर साहब जो हैं उनके सुबह रेडी होने की मिसाल है कि उसने अगर अपने आप को ड्रेसअप करना है तो ड्रेसअप करते हुए नेचुरली कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली पहनी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें एक के बाद पहनी जाती हैं, जैसा कि टाई हमेशा शर्ट के बाद ही पहनी जाएगी और जैकेट जो है वो टाई के भी बाद होगी, सॉक्स पहनने के बाद शूज़ पहने जाएंगे, शूज़ के बाद सॉक्स नहीं पहनी जाएंगी। तो ये एक बैग बनता है, ऊपर ग्राफ मौजूद है, नीचे उसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है। प्रोफेसर साहब रेडी होने के लिए सबसे पहले बेशक जुराबे पहन लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, या सबसे पहले घड़ी लगा लें, या सबसे पहले शर्ट पहन लें। ये जो इस वक्त इसकी ऑर्डरिंग है ये एक ऑर्डरिंग है, इस तरह की कई ऑर्डरिंग हो सकती हैं। और ये ऑर्डरिंग एक बड़े ग्राफ की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और वो एल्गोरिथम यहां पर ये आपको नजर आ रहा है एट द मिडल ऑफ द स्क्रीन। एक ग्राफ है विच इज डैग, ये गारंटी है, जी इज अ डैग। आप क्या करें, डीएफएस जी के ऊपर रन करें। अब आप सबको पता है ना कि डीएफएस के अंदर कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं होता। डीएफएस एल्गोरिथम स्टार्टिंग और डिस्कवरी और फिनिशिंग टाइम्स लगाता है ग्राफ के ऊपर, तो आप उस पर डीएफएस रन कर दें, वो तमाम वर्टिसेस को स्कैन करता है, वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। तो सारी चीजें जो हैं, प्रोफेसर साहब ने ड्रेसअप होना है, जो आपने अपनी डिग्री में सारे कोर्स पढ़ने, हर एक प्रोसेस होगा। और जैसे ही कोई वर्टेक्स फिनिश होती है, ठीक है, आप जहां से मर्जी शुरू कर लें, जैसे ही कोई वर्टेक्स फिनिश होती है उसको लिंक्ड लिस्ट के फ्रंट पे अटैच करना है। सो शुरू में आपने एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बनानी है, डीएफएस रन करना है, जैसे ही एक वर्टेक्स फिनिश होती है उसे लिंक्ड लिस्ट के फ्रंट पे अटैच करते हैं, और जब डीएफएस खत्म हो जाए लिंक्ड लिस्ट को रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसको यहां पर हम एक छोटे से ग्राफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां, और ये जो है ये हमारा डैग है, और ये एक वर्टेक्स यहां पड़ा हुआ है। इन वर्टिसेस को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कह दो। ठीक है, आपने डीएफएस रन करना है, हम डीएफएस रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला वर्टेक्स डिस्कवर किया, यहां से यहां गए, ये वाला वर्टेक्स डिस्कवर किया,
इससे ऑनवर्ड कोई वर्टेक्स डिस्कवरेबल नहीं है, इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया और थ्री वर्टेक्स को लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल दिया। थ्री वर्टेक्स यहाँ से एक्सप्लोर हुआ था, यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर दें। ये फोर टाइम पे एक्सप्लोर हुआ, ये फाइव टाइम पे फिनिश हो गया, लिंक लिस्ट में सिक्स डाल दें। वापिस आए एट के ऊपर, इसको एक्सप्लोर करें, ये सेवन टाइम पे एक्सप्लोर हुआ, रादर सिक्स टाइम पे डिस्कवर हुआ, सेवन टाइम पे फिनिश हो गया, इसको लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल दें। जब आप यहाँ वापस एट पे आएंगे, एट से कोई और डिस्कवरेबल नहीं है, उसको एट टाइम पे फिनिश करें और एट को भी लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल दें। जैसे जैसे वो फिनिश होता जा रहा है, मैं उसको इधर डालता जा रहा हूँ। इसके बाद इसको डिस्कवर करें, ये कहीं आगे नहीं जा रहा, फिनिश हो जाएगा, इसको लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल दें। कोई सा भी वर्टेक्स आप पकड़ लें, उससे आपने यही काम लेना है। ठीक है जी, ये फिनिश हो गया टेन टाइम पे, इसको इलेवन टाइम पे डिस्कवर किया, इससे ये ट्वेल्व टाइम पे डिस्कवर हुआ, उससे आगे जो था वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हुआ था, ये थर्टीन टाइम पे फिनिश हो गया, तो हम यहाँ पर सेवन लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल देंगे। इसके बाद वापस आएंगे टू पे, वो ट्वेल्व टाइम पे हो जाएगा, तो टू को लिंक लिस्ट के शुरू पे डाल देंगे। उसके बाद वन डिस्कवर होगा और फिर वन फिनिश होगा, तो वन को हम यहाँ डाल देंगे। तो स्टूडेंट, ये नीचे जो हैं, ये एग्जैक्टली वही वर्टिसेस हैं जो ऊपर हैं, और इन वर्टिसेस को मैंने जैसे जैसे ये फिनिश होते गए थे, मैं लिंक लिस्ट के हेड की तरफ अटैच करता गया था। अब अगर आप ओरिजिनल ग्राफ के वर्टिसेस पे गौर करें, तो वन से टू पे एक एज है, वन से थ्री पे एक एज है, दैट्स इट। टू से सेवन पे एक एज है, थ्री से ऑनवर्ड कोई एज नहीं है, एट से ऑनवर्ड थ्री सिक्स और फाइव पे एजेस हैं। सो फाइव सिक्स और थ्री पे एजेस हैं, सेवन से फाइव पे एज है, फोर से कोई एज नहीं है, फोर मेरे से पता नहीं मिस क्यों हो गया, सम हो मैंने गलती से मिस कर दिया होगा लिखना। सो अगर आप ये नीचे जो वर्टिस देखें, तो इसमें जितने भी आपको एजेस नजर आ रहे हैं, वो लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं। तो ये वाला जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहलाता है। ये वर्टिसेस की ऐसी तरतीब कर देता है डैग में जो लेफ्ट टू राइट होती है, और उस तरतीब में हम डैग को प्रोसेस करें तो हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं। जिसकी दो मिसालें, आप प्रोफेसर साहब का ड्रेसअप होना और आपकी डिग्री की कंप्लीशन में कोई रुकावट ना आना है, और इसके अलावा भी कई और मिसालें जो हो सकती हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, वो यहाँ पे हमें हेल्प करती हैं। बाकी इस एल्गोरिदम को अगर आप इसका रनिंग टाइम निकालना चाहें, तो वो आप निकाल सकते हैं। इसमें सिंपली कुछ और नहीं हो रहा, DFS रन कर रहे हैं हम, और DFS का रनिंग टाइम V+E होता है, और उसके अलावा एक लिंक लिस्ट के फ्रंट के ऊपर हम नोड्स को अटैच कर रहे हैं, और लिंक लिस्ट के फ्रंट के ऊपर कॉन्स्टेंट टाइम के ऊपर हम नोड्स को अटैच कर सकते हैं। सो ओवरऑल रनिंग टाइम इज द सेम एज द DFS। आगे बढ़ते हैं लेमास को छोड़ के, एक और एग्जांपल है कनेक्टेड कंपोनेंट्स की, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स की। तो अगर हमारे पास एक अगर ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, एज वो है डायरेक्टेड ग्राफ है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स एक्सेसिबल या रीचेबल हो। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ में हम उन सेट ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं कि उस सबसेट ऑफ वर्टिसेस के अंदर एवरी वर्टेक्स फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स रीचेबल होता है। तो जैसा कि ग्राफ में ये उसने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि जो ए बी और ई वर्टिसेस हैं, वो तीनों आपस में रीचेबल हैं, एफ और जी रीचेबल हैं, सी और डी रीचेबल हैं, जबकि एच जो है वो दूसरी जगह से तो आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन एक्स से आप क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते दूसरी जगहों के ऊपर,
तो इसलिए वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है. तो हाउ कैन वी फाइंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स अमंग अ बिग ग्राफ? तो वी डेफिनेटली नीड टू रन सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम. तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि डिस्टेंसेस मेजर नहीं करने हैं तो हम DFS ही रन करेंगे. और वो एल्गोरिदम जो है अगेन बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है. वो ये है कि जी के ऊपर जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ है उसके ऊपर हम DFS रन कर दें. DFS रन करेंगे तो हमें हर वर्टेक्स के लिए फिनिशिंग टाइम भी मिलेगा, डिस्कवरी टाइम भी मिलेगा और प्रेडिसेसर भी मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम ग्राफ के तमाम एजेस को रिवर्स कर देंगे. यानी कि अगर कोई एज ए से बी पे जा रहा होगा तो हम ग्राफ में उसे बी से ए कर देंगे. यानी कि तीसरा स्टेप क्या है, कंप्यूट जी ट्रांसपोज रिवर्स ऑफ टी. और उसके बाद हम जो नया ग्राफ बना है ओरिजिनल ग्राफ के एजेस को रिवर्स करने के बाद उसके ऊपर हम दोबारा DFS रन करेंगे. मगर इस दफा जो हम DFS रन करेंगे उसमें हम रैंडमली पिक नहीं करेंगे वर्टिसेस को, बल्कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यू ऑफ एफ जो पहली लाइन में कंप्यूट हुआ था उस ऑर्डर में वर्टिसेस को मेन DFS लॉजिक में पिक करके उस तरतीब से हम इसको लेके आएंगे और रन करेंगे. अब एट द एंड जब ये एल्गोरिथम फिनिश हो जाएगा तो जो हमारा फॉरेस्ट बनेगा उस फॉरेस्ट में जितनी भी ट्रीज होंगी हर ट्री एक इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट होगा. इसका रनिंग टाइम इट्स क्वाइट ईजी. यहाँ अगर हो सकता है एक सॉर्टिंग अप्लाई हो रही हो क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में लेना है और यहाँ पर हमारे पास दो DFS रन हो रहे हैं. एजिस को ट्रांसपोज करना तो बिग ऑफ ई टाइम में हो जाता है. सो इवेंचुअली ये एल्गोरिथम बड़ी आसानी से हम फिगर आउट कर लेंगे इसका रनिंग टाइम क्या है. ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम्स में से कोई एक दो आसान सी प्रॉब्लम्स आप देख लीजिएगा. ये एलिमेंट्री ग्राफ का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. इसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज का चैप्टर है और मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के बाद सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ और फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का ये चैप्टर्स हैं. अब बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम किसी चीज को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में हम किसी शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो जैसा कि नाम से ये दोनों चीजें जाहिर हैं ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं. और ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम या तो ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं या डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं. इन केस हियर बोथ इन मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज और इन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हम ग्रीडी अप्रोच को यूज करेंगे क्योंकि ग्रीडी अप्रोच यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, मिनिमाइजेशन में. लेकिन चूंकि ये ग्राफ की प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए ऑथर्स ने भी इन चैप्टर्स को एग्जैक्टली वहाँ नहीं पढ़ाया जहाँ पर उसने डायनेमिक और ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़ाए थे, बल्कि यहाँ पढ़ाए हैं क्योंकि इनमें हमने ग्राफ को ट्रेवर्स करना है. तो ये ज़्यादा ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम है मगर ये ग्रीडी और डायनेमिक के भी हैं. ग्राफ को एक्सप्लोर करने में DFS और BFS हम यूज करते हैं. डिस्टेंसिस टाइप चीजें इसमें मौजूद हैं और जब डिस्टेंसिस टाइप चीजें मौजूद होती हैं तो आमतौर पर हम BFS लाइक एल्गोरिथम पसंद करते हैं. तो इन दीज टू बेसिकली यहां पर जो एल्गोरिथम्स मौजूद हैं उनमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो एल्गोरिथम है वो कहलाता है प्रिम्स एल्गोरिथम और यहाँ जो दूसरा एल्गोरिथम है वो कहलाता है जनरली डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम. तो ये जो दो मशहूर एल्गोरिथम है प्रिम्स का और डायक्स्ट्रा का ये दोनों DFS से इंस्पायर्ड हैं. लेकिन चूंकि यहाँ मिनिमाइजेशन करनी है तो मिनिमाइजेशन के अंदर हमने कुछ ग्रीडी एलिमेंट यूज करना है. तो ग्रीडी एलिमेंट दो तरीकों से इम्प्लीमेंट होता है, या तो सॉर्टिंग कर लेते हैं या प्रायोरिटी क्यू यूज कर लेते हैं. तो बेसिकली प्रिम्स एल्गोरिथम में और डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम में
प्रायोरिटी क्यू यूज हो रहा है और उस प्रायोरिटी क्यू की मदद से हम ग्रीडी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने जस्ट नाम लेके इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पर भी हमारा BFS लाइक एल्गोरिथम भी रन होगा। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर एक और एल्गोरिथम मौजूद है, क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो वो जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है वो बेसिकली एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमने यहाँ स्टडी नहीं किया है इन आवर पार्ट 5, डिसजॉइंट सेट्स का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो उसको यूज करता है। वेल दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, तो अगर टाइम मिला उसको हमने पढ़ा तो वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके बाद लास्टली ग्राफ के एल्गोरिथम के अंदर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लॉजिक या एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। ऑल पेयर मीन कि हम सिंगल सोर्स मीन एक्स से वाई तक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मालूम करना चाह रहे, या एक्स से ऑनवर्ड हर वर्टेक्स पर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मालूम करना चाह रहे, बल्कि हम बिटवीन ईच एंड एवरी पेयर ऑफ द वर्टेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इज देयर सम पाथ एंड विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है इसमें चूंकि सारे वर्टिसेस ने इन्वॉल्व होना है, तो सारे वर्टिसेस को इन्वॉल्व करते हुए हमें एक 2D मतलब स्ट्रक्चर तो बनाना है। तो इसलिए इसका जो ज़्यादा वो एल्गोरिथम है, एफिशिएंट एल्गोरिथम, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से है मौजूद। तो उसको हम यहाँ पे जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो स्टूडेंट इन तीनों के साथ अमूमी तौर पर जो है वो बैचलर्स का हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने एट द एंड प्रूफ्स, रनिंग टाइम एनालिसिस, उन चीज़ों की बात रिलेटिवली कम की है। मैंने डिज़ाइन ऑफ द ग्राफ के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा की है, मैंने अपने टाइम को सेव किया है। असूली तौर पर तो आज लास्ट क्लास है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की। इसके बाद अगर फेस टू फेस क्लासेस होती हैं या फर्दर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो अगस्त में होंगी। जब अगस्त में वो क्लासेस होंगी तो हम कुछ और चीज़ें भी एट दैट टाइम डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं होंगी तो एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूं कि हमने काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो एटलीस्ट इन द डिज़ाइन कवर कर ली हैं। मोस्टली आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स को शायद रिपीट कर रहे हैं। देर मे बी अ शॉर्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अभी फाइनल पेपर में जो इस वक्त तक का डिसीजन है उसमें स्टूडेंट जो इस वक्त तक का डिसीजन है उसमें 2 से 3 महीने बाकी हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि फ्रॉम द यूट्यूब और अदर रिसोर्सेस खुद से थोड़ी तैयारी बेहतर कर लें। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में जाना है उनके लिए जो नॉलेज यहाँ डिलीवर हो गया है दैट इज़ रीजनेबली सफिशेंट, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो आगे स्टडी में आना चाहेंगे, MS, MPhil करना चाहेंगे, उनके लिए बहरहाल ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बुक्स भी पढ़ें, थ्योरम्स को समझने की कोशिश करें, गूगल कर लें, यूट्यूब से देख लें और अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, आई एम अवेलेबल, जिस वक्त भी आपको ज़रूरत होगी ठीक है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे दूंगा और अगर मुमकिन हुआ तो आपको कोई चीज़ सर्च करके भी दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं कोई अब 5-7 मिनट आपके फर्दर लूँगा, उसमें कंक्लूडिंग जो एक टॉपिक है उसको मैं आपके सामने जो है वो बताना चाह रहा हूँ, और वो टॉपिक है बेसिकली इस सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर ये जो है हमारा
एनपी कंप्लीटनेस का, ठीक है। एनपी कंप्लीटनेस बेसिकली एक थ्योरी है जिस थ्योरी में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम्स की डिफरेंट जो है वो क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट जब हम एल्गोरिदम एनालिसिस करते हैं तो एल्गोरिदम एनालिसिस के बाद हमारे पास जो रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम है, ठीक है, रनिंग टाइम वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बिग थीटा या इन द फॉर्म ऑफ बिग ओ आ जाता है और वो एक फंक्शन होता है वन का, बिग ओ वन मीन कांस्टेंट टाइम, लॉग ऑफ एन 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 लॉग ऑफ एन एन स्क्वेयर एन क्यूब एटसेट्रा, या फिर टू रेज टू पार एन, थ्री रेज टू पार एन, एन फैक्टोरियल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब इनमें से अगर कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी प्रॉब्लम जिसका कोई भी एल्गोरिदम जिसका रनिंग टाइम पॉलीनोमियल कैटेगरी में आ रहा हो या पॉलीनोमियल कैटेगरी से बाउंड हो रहा हो, मसलन ये लॉग ऑफ एन इटसेल्फ तो पॉलीनोमियल नहीं है लेकिन ये एन रेज टू पार जीरो से बहरहाल छोटा है, तो लॉग ऑफ एन एल्गोरिदम्स जो हैं वो पॉलीनोमियल एल्गोरिदम की बाउंड्री में आते हैं। तो उन एल्गोरिदम्स को हम पी, उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली हम कहते हैं पी टाइप प्रॉब्लम्स जिनका कोई भी सोल्यूशन पॉलीनोमियल टाइम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो हमारे प्रॉब्लम्स कहलाते हैं पी टाइप प्रॉब्लम्स। इसके बाद स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कि जिन के लिए अभी तक कोई नॉन एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जो पॉलीनोमियल टाइम में उन्हें सॉल्व कर दे। तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, और उसके अलावा आप इस बुक में सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट मैनी नेम्स, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है, हैमिल्टोनियन साइकिल है, क्लीक प्रॉब्लम है, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनके अभी तक ऐसे नॉन एल्गोरिदम्स नहीं हैं जो उनको पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व कर दे। लेकिन स्टूडेंट उन एल्गोरिदम्स को हम एनपी, उन प्रॉब्लम्स को हम एनपी प्रॉब्लम्स कहते हैं जिनके सॉल्यूशंस वेरीफाई हो जाते हैं पॉलीनोमियल टाइम में, ठीक है। एनपी प्रॉब्लम्स वो नहीं है जो नॉन पॉलीनोमियल है, एनपी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन अगर हमें समहाउ नोन हो तो वी कैन वेरीफाई कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो वाले प्रॉब्लम्स हमारे पास एनपी प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक नई थ्योरी जो है वो यहाँ पे आती है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिलती जुलती प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको हम थोड़ी सी एफर्ट करके एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है एक्स और मैं इसको एक एल्गोरिदम के जरिए पॉलीनोमियल टाइम में प्रॉब्लम वाई में रिड्यूस कर देता हूं या ट्रांसफॉर्म कर देता हूं तो ठीक है, ये उन दोनों प्रॉब्लम्स का आपस में एक लिंक बन जाता है। तो अब अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम जो कि एक्स है वो वाई में रिड्यूस हो रही है और मेरे पास वाई प्रॉब्लम का अगर कभी एफिशिएंट सॉल्यूशन मिला तो एक्स प्रॉब्लम क्योंकि पॉलीनोमियल टाइम में वाई में रिड्यूस हो रही है और वाई का मुझे अगर कभी सॉल्यूशन एफिशिएंट सॉल्यूशन पॉलीनोमियल टाइम सॉल्यूशन मिल गया, दैट सिंपली मीन कि एक्स का भी पॉलीनोमियल टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे जो पता लगता है वो ये है कि अगर पॉलीनोमियल टाइम रिडक्शन है तो दोनों प्रॉब्लम्स इक्वली हार्ड हैं। What I am saying is कि problems are equally hard. तो ऐसे तमाम problems जो polynomial time में एक से दूसरे में reduce हो जाते हैं और वो non NP problems हैं, वो basically एक ऐसा set of problems create करते हैं जिसको
एनपीसी कहते हैं। एनपीसी स्टैंड्स फॉर एनपी कंप्लीट। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपस में रिड्यूसेबल हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये तकरीबन इक्वली हार्ड है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम्स इनमें से कोई एक टाइम प्रॉब्लम पॉलीनोमियल टाइम में कभी सॉल्व हुई तो होप नेचुरली तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं उस कैटेगरी की एनपीसी की वो सॉल्व हो जाएंगी पॉलीनोमियल टाइम में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, शायद इनमें से किसी का भी एफिशिएंट सॉल्यूशन निकल ही ना पाए। तो बहरहाल ये एट द एंड थोड़ी सी एक स्टोरी है कि देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विच आर हार्ड प्रॉब्लम्स, आइदर दे आर एनपी प्रॉब्लम्स और दे बिलोंग्स टू एनपीसी कैटेगरी। ये प्रॉब्लम्स काफी हार्ड हैं, इन प्रॉब्लम्स के एफिशिएंट सॉल्यूशंस नहीं है, इनको रीजनेबल साइज से जब हम बड़े इनपुट साइज के ऊपर इनके एल्गोरिथम्स को रन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस फिर हम इन प्रॉब्लम्स को समहाउ किसी रिलेटिवली अगर वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको एग्जैक्टली ऑप्टिमल उसका सोल्यूशन निकालने की बजाय अप्रोक्सीमेटली ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लें तो वो शायद बेहतर एफिशिएंटली हमें मिल जाए। मसलन एक प्रॉब्लम का जिक्र करके मैं आपका आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ, और वो है ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन प्रॉब्लम, टीएसपी कहलाती है। टीएसपी प्रॉब्लम ये है कि एक सेल्स पर्सन यहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ पे आता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो इधर जाता है, और फिर वो वापस इधर जा जाता है। तो वो ये भी तो कर सकता था कि वो यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर इधर आता, फिर इधर जाता, और फिर घूम फिर के यहाँ वापस आ जाता। तो उसके पास, ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन के पास बहुत सारे पाथ्स हैं, वो ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करना चाहता है जिससे कि वो अपनी जर्नी का टाइम या डिस्टेंस मिनिमाइज कर सके। अब ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम जो है ये एनपीसी या एनपीसी कैटेगरी की प्रॉब्लम है, मीन इट इज अ हार्ड प्रॉब्लम, इसका हो सकता है सोल्यूशन हमें मिले ही ना। लेकिन आप ये ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन प्रॉब्लम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो हैं वो रोज मूव करते हैं, तो वो बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। एग्जैक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो जो वो फार्मूला लगाएंगे इट विल टेक टाइम व्हेन द नंबर ऑफ नोड्स आर रीजनेबली लार्जर। तो अगर तो नंबर ऑफ नोड्स कम है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ नोड्स रीजनेबली लार्जर हैं, 100 में है, 200 में है या 1000 में है, तो फिर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वो अडॉप्ट कर लेंगे। और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम मतलब जहां से शुरू करना है वहां से करीब तरीन चले जाएं, वहां से करीब तरीन चले जाएं, वहां से करीब तरीन आ जाएं, वहां से करीब तरीन आ जाएं, वहां से करीब तरीन, वहां से, और हो सकता है कि बाद में एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़े। तो इससे काफी हद तक ऑप्टिमल अचीव हो जाएगा, एग्जैक्ट ऑप्टिमल अचीव नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसके साथ ही मैं कंक्लूड करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सेल्फ स्टडी के ऊपर खासा जोर दें, जो चीजें समझ नहीं आती वो मुझे ईमेल कर लें, मेरे से डिस्कशन मोड में आ जाएं, हम इसी सेशन में आ जाया करेंगे मीट पे और डिस्कशन कर लिया करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, wishes for your future, Allah Hafiz.